हिमाचल में 11 नवंबर से करवट बदलेगा मौसम। कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं। देहरा एसपी कार्यालय खोलने से पहले सीएम सुक्खू ने पत्नी सहित मां ज्वाला का आशीर्वाद लिया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 33/11 केवी उपकेंद्र बसाल के रखरखाव के दृष्टिगत 6 अक्टूबर 2024 को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी। राहुल वर्मा ने कहा कि 6 नवंबर को 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आंजी, शमलिच, नगाली, बड़ोघाइट, बारा, कोरो, कैंथड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। पर्यटन नगरी नड्डी में स्थित डल झील के रिसाव को रोकने और निरीक्षण करने लेक मैन ऑफ इंडिया आनंद मल्लिगावाद धर्मशाला पहुंचे। आनंद मल्लिगावाद ने होटल एसोसिएशन मैक्लोडगंज के सदस्यों व जिला प्रशासन के साथ मिलकर डल लेक का निरीक्षण किया। प्रदेश में धान खरीद में एपीएमसी पामवटा केंद्र प्रथम। जिला में अब तक 44,000 क्विंटल धान की खरीद हुई। 3 से 4 महीने में धर्मशाला का वॉर म्यूजियम खुलेगा। म्यूजियम मैनेजमेंट कमेटी की आज बैठक आयोजित हुई। रामपुर में 3 दिवसीय अश्व प्रदर्शनी का आगाज। इस प्रदर्शनी के पहले दिन करीब 160 घोड़े पंजीकृत किए गए। जनजातीय जिला किन्नौर के बारंग गांव में 12 साल के बाद मनाए जाने वाले दूने उख्यान के दिन ऊंचे पहाड़ों से फूल लाकर अपने कुल देवों को माल्यार्पण किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन के सेरा रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही निपटारा किया। जनजातीय क्षेत्र भरमौर का राजकीय उच्च विद्यालय सीनियर को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ बच्चे गाय भैंसों के बीच पड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 35 साल से ऐसा ही चल रहा है। चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्ग की सुरक्षा कर्मियों ने मदद की। परिवार ने चिंतपूर्णी मंदिर न्यास की व्यवस्था की प्रशंसा की। प्रदेश भर के डिपो में मिलने वाले सरसों तेल के टेंडर रद्द। गोदामों में नहीं पहुंचा सरसों तेल। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में लगी फूड मार्केट में मिठाई कारोबारियों ने जताई नाराजगी। बोले स्टॉल लगाने का स्थान बदलने से नुकसान हो रहा है। प्रदेश कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर जगत सिंह नेगी नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर शिमला में बरसे। जिला हमीरपुर के चटियाल बास के बाशिंदों ने पेश मिसाल की। मुक्ति धाम तक सड़क पहुंचाने के लिए तोड़ डाले खुद के मकान। जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत इंदौरा के अर्ष शर्मा की भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति हुई है। उनकी कामयाबी पर उनके घर व गांव में खुशी की लहर है। धौलाधार की पहाड़ियों पर क्रैश लैंडिंग के पश्चात फंसे पैराग्लाइडर पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है। पोलैंड का पैराग्लाइडर पायलट एंड्रयू बिबिंस्की रविवार को बिलिंग से उड़ान भरने के पश्चात हिमानी चामुंडा मंदिर के समीप धौलाधार की पहाड़ियों पर क्रैश लैंडिंग करने पर विवश हुआ था। एंड्रयू बिबिंस्की ने फ्री फ्लायर पायलट के रूप में उड़ान भरी थी। बीड़ बिलिंग में आयोजित वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग में खराब विजिबिलिटी के कारण टास्क रद्द किया गया। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मपत्नी विधायक कमलेश कुमारी सहित मां ज्वाला का आशीर्वाद लिया। शिमला के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा ठप्पा। शिक्षक बोले मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। एम्स बिलासपुर में आपातकालीन वार्ड मौजूदा समय में छोटा पड़ गया है, जिस कारण एम्स में कार्यरत चिकित्सकों सहित नर्सिंग स्टाफ को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार एम्स बिलासपुर में मौजूदा समय आपातकाल में केवल 55 बिस्तरों की ही सुविधा है। वोकेशनल शिक्षकों का शिमला में विरोध प्रदर्शन जारी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी स्थायी नीति बनाना संभव नहीं है। होली लॉज में आयोजित जनता दरबार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं इस दौरान सड़क मरम्मत, जल आपूर्ति, बिजली कटौती और आवास से संबंधित समस्याएं प्रमुख रहीं। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों का घर पर ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा। डाकिया घर पर ही पेंशनरों के चेहरे और उंगलियों को स्कैन कर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। मनाली का सियाल गांव सोमवार रात देवशक्ति के साथ एकता में बल गवाह बना। सियाली महादेव के मंदिर की प्रतिष्ठा में 9 से अधिक देवी देवताओं की सामूहिक देवशक्ति और हजारों लोगों के बल से 73 फीट लंबी और लगभग 80 वर्ग फीट मोटी ध्वजा महादेव के प्रांगण में खड़ी की गई। जिला कांगड़ा के मुख्य बाजारों में धार्मिक मेलों और त्योहारों पर बढ़ने वाली भीड़ के दौरान चेन स्नैचिंग गिरोह सक्रिय हो रहा है। जिला कांगड़ा में इस वर्ष ही ऐसे 4 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन मौके पर ही इनकी धरपकड़ कर लोगों ने दबोच लिया है। सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में अब मरीजों के लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से ऑपरेशन होंगे। इसके लिए अस्पताल में सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने लेप्रोस्कोपी उपकरण प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इससे पहला सफल ऑपरेशन भी कर दिया है। राजधानी शिमला के न्यू शिमला थाना क्षेत्र के तहत 22 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने सभी पैसों की बरामदगी कर ली है। ऊना जिला स्तरीय एथलेटिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन हुआ। शिक्षा उपनिदेशक ने विजेता उपविजेता सम्मानित किए। वहीं प्रतियोगिता में हुई विभिन्न स्पर्धाओं में जिला के 440 बच्चों ने प्रतिभा दिखाई।
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिला स्तरीय समिति की प्रथम बैठक का आयोजन। आदर्श सौर ऊर्जा राजस्व गांव को मिलेगी 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि और सोलर पैनल लगाने पर 60% तक का अनुदान।